नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ई इनवॉइस को जनरेट किसे नहीं करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से जिस भी बिजनेस का टर्नओवर 20 करोड़ है या फिर 20 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे बिजनेस को ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि किन लोगों को ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। अगर उनके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है, फिर भी कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको 1-to-1 बताऊंगी कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको कि अगर उनके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है, फिर भी उन्हें ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। SEZ है तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC है तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं। अगर आप सप्लायर हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के, तब भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, अगर ये है तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। OIDAR है तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। ई इनवॉइस B2B के लिए जनरेट करना है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है तब आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। B2C में आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।